अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद वकार अतीक है और मैं ताल्लुक कनेक्ट रियल स्टेट से है। आप सब लोगों को मेरी तरफ से और मेरी पूरी टीम की तरफ से ईद मुबारक। एक बड़ा अहम सवाल जो बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि क्या बहरिया टाउन कराची में रिहाइश करना क्या इतना आसान है, और बहुत से लोग जो वहां से वापस आ रहे हैं उनकी वजूहत क्या है। कम से कम मेरे मुताबिक, अंदाजे के मुताबिक 1.5 लाख रुपए अगर किसी की आमदन है कम से कम, तो वो तो बंदा बहरिया टाउन कराची में सर्वाइव कर सकता है। लेकिन अगर किसी की भी आमदन 1.5 लाख से कम है तो आप यकीन जानिए उसका सफर अब वापसी की तरफ है, शहर की तरफ वापस आ रहा है। लेकिन जो रिहाइश और जो आपको लिविंग स्टैंडर्ड बहरिया टाउन कराची में मिलता है उसका कोई मुकाबला नहीं। 70-80 हजार 90 हजार में रहने वाला बंदा, कमाने वाला बंदा पहले बहरिया टाउन कराची में रह सकता था। आज जबकि 2 बेड अपार्टमेंट का किराया 35 से 24-25 हजार तक आ चुका है, जो 50 हजार तक किराया जा चुका था 3 कमरों के मकान का, वो आज 35 हजार में आ चुका है। उसके बावजूद मैं आपसे कह रहा हूं कि लिवेबल कंडीशन वहां पे कम से कम भी आमदन आपकी 1.5 लाख रुपए होनी चाहिए। ऐसे लोग जिनकी आमदन कम है, बच्चों के फाइनल पेपर्स का इंतजार कर रहे हैं और उनकी वापसी उनके फाइनल पेपर्स के बाद बहुत ही जल्द हो जाएगी, और उसके बाद किराया भी हो सकता है कि कम हो जाए। आज अगर वहां पे आप रहना चाहते हैं तो उसके लिहाज से बेस्ट है आपके पास बहरिया हाइट्स और प्रिसेंट 19, जहां आपको 24 से लेकर 35 हजार रुपए के दरमियान एक बहुत अच्छा फ्लैट आपको मिल जाएगा। और अगर आप वहां रहते हैं तो वो बेहतरीन लोकेशन है रिहाइश के लिहाज से, अगर आपकी कम से कम भी 1.5 लाख रुपए आमदन है या अपने घर वालों को कम से कम 1.5 लाख रुपए यहां भेज सकते हैं। दो बातें। तीसरी बड़ी अहम बात, क्या प्रिसेंट 23, 24, 26 से 31 में मकान बनाना चाहिए अगर आपके प्लॉट मौजूद है? तो कतन नहीं बनाना चाहिए, बहुत दूर है। इमाम बारगा की वजह से कई लोग प्रश्न 31 की तरफ जाते हैं, लेकिन मैं कभी भी उसको प्रेफर नहीं करता। स्पोर्ट्स सिटी विला सेकंड, और 23-24 को तो मैं बिल्कुल प्रेफर नहीं कर रहा, बहुत आगे की तरफ है और अमीर आदमी ने भी इसके ऊपर वीडियो बनाई है। मैं भी इसको बाबा करार दे दूं कि अगर आपका वहां प्लॉट मौजूद है और आप मकान बनाने की तरफ जा रहे हैं, मत जाइए। अली ब्लॉक 10B, 11B और इसके बाद 15, ये मैक्स है, इससे आगे मत जाइए, आप परेशानी में फंस जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन जो बड़ा अहम था, क्या स्पोर्ट्स सिटी विला में मकान लेना चाहिए 4 कमरों की वजह से, जहां इतनी हाई कॉस्ट हो चुकी है, भाई लोग तो जा रहे हैं। और अगर आज भी आप zameen.com पे एड्स देखें, सबसे ज्यादा आपको जो एड देखेंगे वो स्पोर्ट्स सिटी विला के देखेंगे, और 2.40 से कम में वहां पर अभी तक रेट नहीं हुआ है चाबी वाले विला का, अच्छी लोकेशन में। खराब लोकेशन में 2.10, 2.5, 2.10-15 के आसपास मिल जाएगा, लेकिन स्पोर्ट्स सिटी रिहाइश के लिहाज से अच्छा है, लेकिन दूर बहुत है, बहुत ज्यादा दूर है। और अफसोस के साथ ये कहना चाहता हूँ कि भाई प्रिसेंट 8 में अगर आप आज प्लॉट ले भी लेते हैं ना, तो उसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी कम से कम जो है वो 2 करोड़ रुपए है। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो 4 कमरों का 300-350 गज का मकान आपको स्पोर्ट्स सिटी मिलता है तो बेस्ट है। अब 200 गज की बात की जाए, 31-27 एक अच्छा ऑप्शन है? बिल्कुल भी नहीं। मैक्सिमम भी जो आपने जाना है ना भाईजन, वो 2-3 बेड के लिए 200 गज के लिए आपने मैक्सिमम 10 तक जाना है, 11 तक जाना है, इससे आगे नहीं जाना। जजाकल्ला खैर, थैंक यू।